फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हरी मिर्च और दही की एक साइड डिश, जो कि आपके खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगी। तो ये अचार नहीं है, एक साइड डिश है जिसका इस्तेमाल हम दही के साथ बनाकर करेंगे और ये बहुत ही तीखी चटपटी बनती है। इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आपके खाने के स्वाद को तो ये कई गुना बढ़ा देगा। तो जब भी आपको मन करे इसे निकालिए और इसको खाने में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए बिना देर के हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हरी मिर्च की हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार एक रेसिपी बनाएंगे आज। तो देखिए, ये हमने 200 ग्राम इस तरह की बड़ी बड़ी हरी मिर्च ली है। इस तरह के आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे ये मिर्च मिल रहे हैं। तो इन्हें देखिए, अच्छी तरह से आप पहले धो लीजिए और धोकर इसकी पूरी पानी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, या तो आप इसे धूप में रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए धोकर, तो ये सूख जाएंगे, या फिर सूती कपड़े से इसे पोंछ लीजिए तभी ये सूख जाएंगे बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें पानी ऊपर नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसे इस तरह से बीच से इस तरह से काटेंगे, एक लंबे लंबे स्टेप्स में। इस ढंग से आप सारी मिर्च को काट लीजिए, इसके डंठल को हम नहीं निकालेंगे। इस तरह से देखिए, हमने सारे मिर्च को काट लिया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं बनाना इसे। तो पैन को हमने फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। और इस ऑयल में हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच ये पीली सरसों, अगर आपके पास पीली सरसों नहीं हो तो आप काली सरसों भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन मंगरैल। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से जल जाने दीजिए। तो चलिए देखिए, अब ये खड़े मसाले जल चुके हैं, इसमें हम अपनी हरी मिर्च को ये डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद अब हम इसे कम से कम 4-5 मिनट तक, मिर्च जब तक कि थोड़ी नरम नहीं हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। आप मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहिए, बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिएगा। तो दोस्तों, ये मिर्च की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप कभी कभी, ऐसा होता है ना घर में कि सब्जियां कम है या एक ही सब्जी है और हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इसे हम अचार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जो हल्का सा हम खट्टेपन वाली और तीखी और इस टाइप की बना के इसे रख लीजिए, तो इसे आप कुछ दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसे चावल दाल के साथ या फिर रोटी के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही क्विक बन भी जाती है। आप चाहें तो एक ही बार इसे बनाकर रख लीजिए, कई दिनों तक आप खा सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें हमारी मिर्च ये भून चुकी है। आपकी मिर्च इस तरह की कम से कम थोड़ी सी लाल हो जानी चाहिए चारों तरफ से। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ये हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या अधिक, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सारी चीजों को, मसालों को इसे हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कम से कम 1 मिनट तक और भूनेंगे ताकि इसके मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। और अब हमारे मसाले भी भून चुके हैं और अब इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ये 1/2 कप दही। तो इस दही को हम इसमें डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर। ये हमारे इस मिर्च के मसालों वाली रेसिपी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और इसका टेस्ट तो अमेजिंग। तो चलिए, इन सारी चीजों को आप मिला लीजिए और इसे हम ढककर 2-3 मिनट तक कम से कम पकने देंगे। देखिए, इसमें दही अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसे दही में पकने देंगे 2-3 मिनट तक के लिए। आइए इसे ढक देते हैं।
चलिए 3-4 मिनट के बाद हम अपनी मिर्च को देखते हैं। देखिए अब इसमें ये दही और ये सब इसके पानी भी सब सूख चुके हैं और अब हमारी ये मिर्च तैयार हो गई है। इस ढंग से आप इसे सिर्फ इसमें देखिए ये मसाले जो है नीचे इसमें आप कोट कर लीजिए आप और इस मिर्च को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं काफी दिनों तक और इसे खा सकते हैं। ये खराब नहीं होगी, अगर फ्रिज में रखिएगा तो लंबे समय तक चलेगी। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारी बनकर हरी मिर्च तैयार है। देखिए ये पूरी अच्छी तरह से गल गई है, स्किन भी इसका और बहुत ही चटपटी और तीखी मजेदार ये मिर्च है। वैसे ये मिर्च तो बहुत तीखी नहीं होती है लेकिन इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं इसे ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें मिर्च मसाले के कारण चटपटी और तीखी हो जाती है। तो जरूर आप अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी मिर्च की ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूं आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मिलूंगी। ओके, टेक केयर एंड बाय।